पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टेंस ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है बीएचयू के प्रोफेसर अनिल कुमार राय। आइए जानते हैं कि जो आपने घुटने का रीडू ऑपरेशन किया है उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी और क्यों इस तरह के ऑपरेशन को लोगों ने मना कर दिया था जो आपने बाद में किया। घुटना उनका पूरी तरह से स्टिफ था और ये बोनी जैम था, इसको हम लोग बोनी एंकाइलोसिस कहते हैं। बोनी एंकाइलोसिस की सर्जरी अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि जोड़ को काटना, स्पेस बनाना, फिर उसमें स्पेशल डालना, जिसके लिए घुटने का 90 डिग्री मुड़ना ज़रूरी होता है ऑपरेशन के लिए। ये केस उससे भी जटिल इसलिए था कि जो बोनी जैम के साथ फ्रैक्चर का जो सरफेस था वो दो भागों में बटा हुआ था और फ्रैक्चर का डिस्टल हिस्सा, जिसको हम लोग सैजकर फाइव बोलते हैं, वो इंटरनली अंदर की तरफ घुमा हुआ था, तो उनका पंजा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था और इस गलत पोजीशन में वो जॉम था और जोड़ की सरफेस भी फटी हुई थी। तो जो सिंपल बोनी एंकाइलोसिस होती है वो तो अपने आप में ही एक चैलेंज है, उससे भी बड़ा चैलेंज यह है कि एंकाइलोसिस के साथ साथ टीबिया, जो जो जोड़ का डिस्टल हिस्सा वाली बोन होती है, वो भी फ्रैक्चर थी कई पीसेस में और गलत जगह से सब कुछ जुड़ा था। और इनका पिछला इतिहास ये था कि वहाँ पर कंपाउंड इंजरी थी, जब शुरू में चोट लगी थी आजमगढ़ में तो वहाँ पर घाव था, वो कंपाउंड इंजरी थी। इसलिए खतरे दो, एक तो ये कि ऑपरेशन करने के बाद इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा डर और दूसरा ऑपरेशन के बाद कैसे उन बोनी पीसेस को अलाइन करके हम उस पर बेस प्लेट बैठाएंगे, तो और दीज आर द वेरी स्पेसिफिक चैलेंजेज। और इसलिए ये पेशेंट को हर जगह लोग रिफ्यूज़ करते रहे, वैसे लोग भी जो केवल घुटने का ही सर्जरी करते हैं, जैसे गुजरात में डॉक्टर सार है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या फिर सहारा लखनऊ, फिर जयपुर के एमिनेंट सर्जन्स, इवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे डिपार्टमेंट में भी दिखाया था इन्होंने। तो इट वॉज़ ए बिग चैलेंज एंड आई डोंट नो, लेकिन मन में एक भाव था कि इस मरीज को कैसे मदद करें कि इसका जोड़ मुड़ने लगे और ये अपने पैरों पर सामान्य ढंग से चल सके। शायद ये गुड विश के साथ एक परमात्मा की तरफ से कुछ शक्ति मिली हो, तो ये हो गया और काफ़ी अच्छा रहा। और अब तुमका 50 डिग्री पैर मुड़ रहा है और उस पर चल भी रहे हैं, लेकिन अभी पूरा वजन देना हम लोगों ने अलाउ नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ हैं नीमा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुनील मिश्रा। आइए इनसे जानते हैं कि नीमा कौन कौन से मरीजों के हित में बनारस में या उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। जैसा कि आपका प्रश्न था, हमारा संगठन नीमा, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, पूरे भारतवर्ष का एक समानांतर संगठन है IMA की तरह, और ये हमारे ISM चिकित्सकों, भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को एक संबल प्रदान करता है और एक कॉन्फिडेंस देता है। इसके तहत हम बहुत से सामाजिक सरोकार करते हैं, जैसे फ्री मेडिकल कैंप, बाढ़ग्रस्त एरिया हो या किसी भी आपदा वाली हो जगह हो वहाँ पहुँचते हैं और अपने चिकित्सकों टीम के साथ फ्री कैंप करते हैं। इसके साथ साथ हमारी एम्बुलेंस है जो बहुत ही रियायती दर पर यहाँ के मरीजों को सेवा दे रही है इमरजेंसी में। हमारे यहाँ CME प्रोग्राम होता है कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन का, जिसमें हम अपने डॉक्टरों को हमेशा अपडेट करते रहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। इसी क्रम में योग, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सरोकार है हमारे सिस्टम का, उसके तहत हम योग प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, जिससे रोगी बिना चिकित्सा के भी बहुत हद तक ठीक रख सकता है। उनके रिफ्लेक्सेस ठीक होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक होती है, उनके रोजमर्रा के काम ठीक होते हैं और विभिन्न रोगों से वो बच सकते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ निःशुल्क टीकाकरण, हमारे बिल्डिंग में और भी सामाजिक सरोकार के तरह कार्यक्रम होते हैं, आयोजित किए जाते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने संगठन के थ्रू पूरे भारतवर्ष में भारत की जनता को, जैसा कि मिशन है भारत का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनके अनुरूप काम कर सकें और उनकी रोगियों की जीवन जो दिनचर्या उनको सुलभ और सचल बना सकें। इसी के साथ हमारा एक और भी कहना है, ये हमारे चिकित्सकों को बड़ा संबल प्रदान करता है कि मैं नीमा का चिकित्सक हूँ
और ये चिकित्सक एक इतने ये संगठन इतनी बड़ी गारंटी देता है संघे शक्ति कल युग कि किसी भी आपदा में तोड़ फोड़ में या किसी भी जो जहाँ पर हमारे चिकित्सकों का अपमान या उनके उनके साथ कोई घटना घटती है उसमें एक सहयोगी की भूमिका के रूप में हमारा संगठन तुरंत खड़ा होता है और त्वरित लाभ दिला के उनका जो है उनकी सहायता करता है। क्लाउन टेंस ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।